अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, जो आजकल का मौसम है, सूरत हाल है, ईद के बाद के दिनों से फिर मक्खियाँ मच्छर इस सूरत हाल में, आप कह लें फूड पॉइजनिंग कह लें, हैज़ा कह लें, बंद हैज़ा कह लें, ऐसी सूरत में नब्ज़ ज़ोफ में चल रही होती है, ब्लड प्रेशर लो होता है, उल्टियाँ, पेचस, मरोड़, दर्द, इन सारी सूरत हाल जो बनी होती है ना, उसमें ये जो मैं गलतियाँ गिनवाने लगा हूँ ये बिल्कुल ना करें। ऐसी सूरत में जब का ब्लड प्रेशर लो, उल्टियाँ, शदीद सर दर्द और ये वाले मामलात हों, तो इस सूरत में आपने कच्चा दूध नहीं लेना, आपने लस्सी नहीं लेनी, आपने केला नहीं खाना, उस सूरत में भिंडी का सालन आप ना लें। फ्रिज में जो लोग रात को चावल बनाते हैं रख देते हैं, सुबह फिर वही खा लेते हैं, ये गलती नहीं दोहरानी आपने इस सूरत हाल में। या अगर ये सीज़न है तो ये ना खाएँ। और भिंडियाँ, और कुछ लोग भिंडी और आलू मिक्स कर लेते हैं और ऊपर से दूध पी लेते हैं, वो ना करें। रात को कच्चा दूध और सेब ना लें, ये जो ज़्यादा बलगम पैदा करने वाली या ज़्यादा सर्द चीज़ें हैं, ये हैज़ा में, पेचस में, ब्लड प्रेशर लो में, फूड पॉइजनिंग में, गैस्ट्रो के जो केस हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं उनके लिए ये चीज़ें बिल्कुल भी मुफीद नहीं है, ये गलतियाँ ना दोहराएं। लेकिन आपको यही मसला है जो मैं कह रहा हूँ तो यह नहीं है, इसके लिए आप, अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं, आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, अपने मोबाइल से या हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमारे से रब्ता करें, हम आपको मुफीद मशवरा देंगे कि आप ये गलतियाँ किस सूरत में ना दोहराएं। सूरत हाल जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये मालूमती वीडियो दूसरों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।